अंबाला में एंटी नार्कोटिक सेल में तैनात एएसआई निरंजन सिंह को सीआईए जीआरपी ने 250 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। साथ ही अफीम की सप्लाई देने पहुंचे शिव नारायण को भी दबोच लिया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जीआरपी सीआईए पूछताछ में जुटी है। बताया गया कि शिव नारायण राजस्थान से अफीम लाकर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एएसआई निरंजन सिंह को सप्लाई करने के लिए आया था। गुप्त सूचना पर सीआईए जीआरपी ने आरोपियों को दबोच लिया। बहरहाल सीआईए जीआरपी दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर पूछताछ में जुटी है। जीआरपी सीआईए इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि आज मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और नशे की तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। 250 ग्राम सर, ये नारकोटिक सेल में कर रहा था। हाँ जी सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या इनके खिलाफ मुकदमा वो एनडीपीएस एक्ट का दर्ज हो रहा है, 18 का और 29 का। बोलो सर, कितने लोग थे? दो आदमी हैं ये, एक लाने वाला एक लेने वाला। सर कहाँ से लेकर आ रहे थे? राजस्थान से। सर कोई जानकारी मिली है ये कितने समय से जो है पुलिस में? नहीं अभी कोई नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद बताएंगे। सर कहाँ पर कार्यरत है ये? ये उसमें नारकोटिक सेल में, अंबाला में। अंबाला में जी।